हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुमित यादव. नो अगेन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुमित यादव. सो आई होप कि जो मेरी लास्ट वीडियोस थे होशियारपुर दिल्ली और हुडा सिटी सेंटर वाली, वो आपने देख ली होगी. और भी काफ़ी वीडियोस हैं, उनको जाके देखो. अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो. एंड एक्चुअली सैटरडे था तो मैं सोचा चलो एक न्यू मोटिवेशनल वीडियो बनाए लोगों के लिए, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहता हूँ, स्पेशली माय सिस्टर अंजलि, जिसने जिसका हक बनता है यार. वो तो कुछ भी करवा लो उससे, वो चाहे तो एक काम करे तब भी वो कहेगी कि मैंने सारा काम करके दिया. तो एक्चुअली मैं उसको कहा था कि मैं सब्सक्राइबर्स बढ़ा दे, तो हुआ कुछ ऐसा कि उसने एक दो सब्सक्राइबर्स बढ़ा के दिए मुझे, और वो कह रही है कि मैं 99 सब्सक्राइबर्स मैंने बढ़वा के दिए. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक माई ब्रदर अमित, जिसने मेरी हेल्प की सब्सक्राइबर्स बढ़वाने में. तो बेसिकली मुझे वो दिन याद है जब मेरे जब मैंने फर्स्ट स्केटबोर्ड की वीडियो डाली थी, तो मेरे व्यूज़ 50 या 60 के आसपास आए थे. तो मैंने भैया को कहा कि भैया मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मेरी थोड़ी हेल्प करो. तो उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मेरे विद इन 2 or 3 hours आई थिंक मेरे व्यूज़ हो गए थे 100 or 120 के आसपास. सो थैंक यू भैया, आपने मेरी काफ़ी हेल्प की. और उसके फ्रेंड्स भी है, सचिन, सतीश, शिवम, सारे ट्रिपल एस ही है. तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की. आई वांट टू थैंक माय ऑल ऑफ फ्रेंड्स जो मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं और मुझे सजेशंस देते हैं. तो एक्चुअली मेरे फ्रेंड शाकिर है, तो उसने मुझे लास्ट टाइम कहा था कि हेडफोन्स यूज़ कर ताकि तेरा वॉइस थोड़ा क्लियर हो. तो भाई शाकिर, मैंने हेडफोन लगाया है यहाँ पे, ये देखो हेडफोन लगा के रखा हुआ है मैंने. बट अभी मैंने इसको कानों में लगाया ताकि वो थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है वीडियो में. तो आई विल ट्राई कि एक माइक खरीद लूँ ताकि मुझे हेडफोन लगाने की जरूरत ना पड़े. सो थैंक्स. एंड आप सबको मैं एक और बात बताता हूँ कि शाकिर एक यूट्यूबर है, इसकी वीडियोज़ काफ़ी YouTube पे है. मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो भी वीडियोस शेयर करो, देखो, सब्सक्राइब करो. अच्छी वीडियोस बनाता है, थोड़े मोटिवेटिंग टाइप है और फनी टाइप्स भी हैं. तो आई सजेस्ट कि इनकी वीडियोस भी देखो. सो चलो कुछ बात कर लेते हैं कि मैं ये वीडियो बना क्यों रहा था. बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एडवांटेज बताऊँ यूट्यूब का, जो बेसिकली मैं फील करके ये यूट्यूब करना चाहता था. तो एक्चुअली ये मेरा पैशन, काफ़ी पैशन भी कह लो या मेरा मन था काफ़ी टाइम से. मतलब 14 में मैं ज्वाइन किया था यूट्यूब पर, उसके बाद मैंने कोई वीडियोज़ नहीं डाली. तो मैं चाहता था कि कुछ वीडियोज़ बनाऊँ, बट उस टाइम मेरे पास ना फ़ोन था, ना माइक था, ना हेडफोन था. तो अभी जब मेरे पास है, तो मैं अगर कैपेबल हूँ वो करने की, जो मेरा इंटरेस्ट है, तो मैं वो करना चाहूँगा. तो बेसिकली एक एडवांटेज जो मुझे इसमें लगा, तो वो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ. बाकी एडवांटेजेस आप गूगल कर सकते हो, और जगह से आपको मिल जाएंगी. बट जो मेन एडवांटेज है, जो सीरियसली मन में लगता है वो बात कि हाँ आप करना चाहिए यूट्यूब, तो वो चीज़ है कि अगर आप फेमस होना चाहते हो बेसिकली, लाइक जो मेरी फीलिंग है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कि अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ, तो मुझे यार दो लोग जाने कि हाँ ये सुमित है और ये YouTube करता है, या ये फेमस है, या इसकी वीडियोस हमने देखी हैं. तो मुझे वो चीज़ चाहिए. तो अगर आप TV पे आ रहे हो या कोई आपको YouTube फॉलो कर रहा है, तो वो चीज़ अच्छी लगती है दिल से. तो उसके लिए मैंने ये YouTube शुरू किया ताकि, और ब्लॉगिंग भी इजी टास्क नहीं है, ये सबको पता है. अगर आप ट्रेन में ब्लॉगिंग कर रहे हो या स्टेशन पर ब्लॉगिंग कर रहे हो, आपको 10 लोग देखेंगे, थोड़ा एम्बेरस या थोड़ा सा हेजिटेट तो होता ही है इंसान. तो वो चीज़ हेजिटेशन भी दूर करने के लिए मैंने ये शुरू किया कि जो हेजिटेशन है मैं वो दूर करना चाहता था. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि जो फीलिंग है ना वो, कि अगर आप किसी के साथ जा रहे हो और दूसरा बंदा, अननोन इंसान, आप कहता है कि हाँ भैया आप यूट्यूब करते हो ना, मुझे पता है आपकी वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, ये है वो, तो यार आई जस्ट वॉन्ट टू फील दैट मोमेंट. मैं चाहता हूँ कि यार मुझे वो मोमेंट मिले जिसमें जो मेरे साथ जा रहा है या जो मेरे साथ घूम रहा है, उसको थोड़ा प्राउड सा फील हो कि इज़ नॉट ही और शी इज़ नॉट विद अ कॉमन पर्सन. तो मुझे वो चीज़ फील करना है. एक्चुअली मैं शायद कुछ ज़्यादा फीलिंग के साथ बोल गया, बट यार जब आप फील करोगे ना ये चीज़, तभी आप कुछ कर पाओगे. और अगर आप आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, लाइक
मेरा यूट्यूब में इंटरेस्ट है या आपका किसी स्टडी में इंटरेस्ट है तो वो करो, इंटरेस्ट से करो। बट मैं एक बात बोलूँगा कि यार अगर बिना इंटरेस्ट के आप कोई काम कर रहे हो तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि यार क्यों यूट्यूब कर रहा है या मतलब क्यों बना रहा है वीडियोज़, अभी तू पहले सेटल हो जा, स्टडी कर ले, कहीं जॉब ले ले, उसके बाद कर लियो। बट यार द थिंग इज़ दैट आई लव मेकिंग वीडियोज़, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं क्यों ना करूँ। इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अभी तो, यार स्टार्टिंग में थोड़ा वीडियोज़ बना रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा होगा। अभी मेरा फ्रेंड है अभिजीत, मेरा कॉलेज फ्रेंड है, तो मैंने उससे भी थोड़ा सजेशन लिया कि प्लीज़ वीडियो कैसे एडिट करते हैं, तो मे बी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं कहूँगा कि यार अगर आप एक एक सब्सक्राइबर्स मुझे मेरे बढ़वा दोगे तो वो 200 हो जाएंगे, और अगर आप सबको आगे एक एक सब्सक्राइबर्स बढ़ाने को कहोगे तो वो 400 हो जाएंगे, फिर 400 से 800 हो जाएंगे, फिर 800 से 1600 हो जाएंगे, फिर 16 से वो 3200 हो जाएंगे, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। सो मुझे जस्ट आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो थैंक यू गाइस। सो वेल, अगर मेरा कोई फ्रेंड यूट्यूबर बनना चाहता है, अगर उसको कोई सजेशन चाहिए तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू।